रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे और मजे में होंगे। दोबारा से हाजिर हैं जनाब आपके साथ एक छोटी सी स्किल के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आजकल चल रही है, गूगल के रिलेटेड है कि गूगल माई बिजनेस एक गूगल की एप्लीकेशन है, कह लें या गूगल की सर्विस है। जैसे वो गूगल माई बिजनेस आपके मैप्स भी शो हो रहा होता है, उसके बकायदा उनके मैप्स वगैरह आप सेक्टर गूगल हर जगह पे, आप जानते हैं गूगल क्या चीज़ है भाई, गूगल तो छाया हुआ है ना। तो गूगल का जो बिजनेस पेज है वो बनाना किस तरह से है, गूगल माई बिजनेस, ठीक है, उसको बनाना किस तरह से है, उसको क्रिएट किस तरह से करना है, उसमें सारी सेटिंग किस तरह से करनी है, आज की वीडियो तकरीबन सारी उसी के ऊपर होगी कि वहाँ हमने उसको प्रॉपर तरीके से क्रिएट किस तरह से करना है गूगल माई बिजनेस का, ठीक है। मैंने अपने पेजेस भी वहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं आपको उसका तरीकेकार बताऊँ, क्योंकि क्लाइंट्स अक्सर आजकल ये डिमांड कर रहे हैं। मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखा कि इनकी काफ़ी जॉब्स आ रही हैं, इनके प्रपोजल्स आ रहे हैं कि जी ये हमें चाहिए, बाय रिक्वेस्ट में भी आ रहा होता है, प्रोजेक्ट्स में भी आ रहा होता है कि जी हमें गूगल माई बिजनेस पे जो है पोस्ट करने के लिए जो बंदा चाहिए वो पोस्टिंग कैसे करेगा, हमने क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए बंदा चाहिए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, और जितना ट्रेंड के साथ हम चलेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, उतनी हम अर्निंग कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। मैं खुद भी मैनेज कर रहा हूँ एक दो क्लाइंट्स का है जो गूगल माई बिजनेस पेज, तो उसको मैनेज भी कर रहा हूँ, तो वहाँ से अच्छी तरह से जो मुझे समझ आई चीज़ें उनको मैनेज करना, और फिर अपना अकाउंट्स बनाया, अपना गूगल माई बिजनेस पेजेस बनाया, तो उसके बाद मैंने समझा भी किस तरह से होगा, फिर मैंने कहा यार वीडियो बना लेते हैं दोस्तों के लिए। और अगर यार नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि आपको जो है ना मिलती रहे वीडियोस मेरी। और यार अगर आप स्किल सीखने आए हो, कुछ भी गेन करने आए हो, तो काइंडली वीडियो पूरी देख लेना, ठीक है ना, वीडियो पूरी देखना, तब आपको समझ आएगा। ये ना होगा थोड़ी सी वीडियो देखो और बाद में जी मुझे बार बार टेक्स्ट कर रहे हो सर यहाँ से क्या था, यहाँ से क्या था। यार अगर वीडियो देखोगे तो आपको पूरी की पूरी समझ आ जाएगी, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने पूरी डिटेल बतानी है, 1 to Z आपको बताऊंगा कि अकाउंट बनाना किस तरह से है, क्रिएट करना किस तरह से है, उसको ओपन कहाँ से जैक करना है, उसमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप काइंडली वीडियो पूरी देखना अगर कुछ गेन करने आए हो, अगर भाई गेन करने नहीं आया जस्ट शोल मेला वीडियो देखना तो देखो और जाओ छुट्टी करो, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ गेन करने आए हो, स्किल गेन करने आए हो, तो काइंडली वीडियो लाजमी पूरी देखना, आपको बार बार यही बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है हर वीडियो में मुझे कहना पड़ेगा यार, अक्सर लोग नहीं देखते और मैंने हर वीडियो में पहले कहा भी नहीं, लेकिन अब मैं शुरू कर रहा हूँ यार, ये बात लाजमी बताया करूँगा, ठीक है। तो चलें ज़रा स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको गूगल माई बिजनेस जो है पेज है इसको किस तरह से क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है, इसको क्रिएट हम किस तरह से करेंगे, तरीकेकार क्या होगा, चलें ज़रा स्क्रीन पे चलते हैं। जी हम आ गए अपनी स्क्रीन पे लैपटॉप की, और मैंने पेज खोल लिया, ठीक है ना, गूगल माई बिजनेस का। तो यहाँ पे जब हम इसको ओपन करते हैं, अगर हमारा कोई ऑलरेडी गूगल माई बिजनेस यानी कि कोई पेज नहीं बना हुआ, तो इस तरह से हमें शो होगा कि फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस, अपना यहाँ पे नेम लिख के आप सर्च कर सकते हैं अगर ऑलरेडी है तो, अगर नहीं है तो कांट फाइंड योर बिजनेस, ऐड योर बिजनेस टू गूगल, कि गूगल पे आप अपना बिजनेस जो है उसको ऐड करना है हमने। तो जाहिर सी बात है हम बना रहे हैं तो हमने नए बनाना ना, तो अब इसमें हम क्या चीज़ बनाएंगे, बिजनेस नेम। पहली चीज़ जो आपने देनी है, जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं, अगर खुद का अकाउंट बना रहे हैं, खुद का पेज बना रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपने क्या नेम रखना है। तो मैं नेम रख देता हूँ AYS सर्विसेज, ठीक है, AYS सर्विसेज, सॉरी कंप्यूटर्स रखते हैं यार, AYS कंप्यूटर्स, ठीक है। और कैटेगरी क्या होगी इसकी, कंप्यूटर्स की है तो कैटेगरी हम इसमें रख देते हैं शॉप, ठीक है, ये जी आ गया शॉप, ठीक है, ये शॉप आउटलेट वगैरह जो भी आपका मुनासिब लगे वो आप रख सकते हैं। देन नेक्स्ट, सिंपल क्राइटेरिया, कोई इतना मुश्किल नहीं है। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन, कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ शॉप और ऑफिस, यस, अगर हम लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, अगर हमें लोकेशन ऐड नहीं करनी तो हम इसको नो करेंगे, हम उसको यस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप एड्रेस बताएं, एड्रेस क्या है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का देंगे, अगर कोई और है, किसी और कंट्री का है, वहाँ का ऐड कर रहे हैं तो वहाँ का देंगे, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस आप क्या दे रहे होंगे, स्ट्रीट एड्रेस हम दे देते हैं जी 549 अगर गाँव का एड्रेस दे दिया, ठीक है, ओके कर दिया। टाउन और सिटी थानले वाला पोस्टल 3750, नेक्स्ट, ठीक है। सिंपल सिंपल प्रोसीजर्स हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं वेयर आर यू लोकेटेड, ड्रैग एंड जूम मैप एंड पोजीशन द मार्कर ऑन द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर योर बिजनेस इज लोकेटेड, ये अगर आप करना चाहें, यानी कि एग्जैक्ट जगह आप देना चाह रहे हैं, तो आप एग्जैक्ट जगह भी जो है वो दे सकते हैं मैप के ऊपर, ठीक है। जैसे आपके सामने खुल रहा मैप, तो इस तरह से 549 ये एरिया आ गया, मैं जहाँ पे रखना चाहूँ वहाँ पे जो है इसको सेट कर सकता हूँ कि जी ये यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स, डिलीवरीज हम नहीं देते, नो, नेक्स्ट, ठीक है।
कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर आपने अगर ऐड करना है तो यहाँ आप कंट्री कोड देंगे। सिंपल सा तरीकेकार आपको पता है, जैसे कंट्री कोड कहीं भी हमने अगर प्रोवाइड करना होता है तो यहाँ पे कंट्री कोड होता है जब भी हम कोई नंबर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर देंगे, पाकिस्तान का आ गया। अगर हम USA किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो हम उसको जो है चेंज भी कर सकते हैं। और अगर कोई वेबसाइट है तो करंट वेबसाइट URL, हम वेबसाइट का URL दे देंगे। अगर नहीं है तो इसको हम कहेंगे आई डोंट नीड अ वेबसाइट, और ये हम कहेंगे गेट अ फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन योर इन्फो। अगर हम यहीं पे गूगल पर बनाना चाहें तो हमें कोई ना कोई वेबसाइट भी फॉरन बना के ना दे देगा, यानी कि अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके रिलेटेड, ये हमें छोटा सा पेज कह लें या लैंडिंग पेज टाइप कुछ ना कुछ हमें बना के प्रोवाइड कर देगा। तो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर अभी करना है तो, और अगर हम स्किप करना चाहें तो उसको अभी के लिए स्किप करेंगे। आप इसको ऐड कीजिएगा जब आप बना रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं या खुद के लिए बना रहे हैं तो, ठीक है। स्टे इन द नो, वांट अपडेट्स एंड रिकमेंडेशन फॉर योर बिजनेस ऑन गूगल। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल आते रहें गूगल बिजनेस के रिलेटेड गूगल की तरफ से, तो आप इसको यस करेंगे, ठीक है। मैं वैसे भी नो कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, तो यही मेरे स्टेप्स फॉलो नहीं करने यार, ये ख्याल करना। अक्सर लोग सेम स्टेप्स फॉलो करने लग जाते हैं यार, वो सेम स्टेप आप लोग फॉलो ना किया करो। जो तरीकेकार बताया तरीकेकार को जो है ना उसको फॉलो किया करो कि तरीकेकार क्या है, ठीक है। चूज़ अ वे टू वेरीफाई, ठीक है। अब उन्होंने कहा जी आप वेरीफाई किस तरह से करना चाह रहे हैं। पोस्ट कार्ड बाय पोस्ट, हैव अ पोस्ट कार्ड विद योर कोड पोस्टेड टू दिस एड्रेस, दिस मे टेक अप टू 14 डेज टू अराइव। अगर आप इसको यहाँ पर पोस्ट कार्ड मंगवा के इसको करना चाहते हैं वेरीफाई, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ नेम देंगे, इस एड्रेस पे पोस्ट कार्ड आएगा और जो है हमारा एड्रेस शॉप जो है वो वेरीफाई हो जाएगी गूगल बिजनेस के ऊपर, ठीक है। मैं इसको मोर ऑप्शंस खोल के ज़रा चेक करूँ कि हमें यहाँ पे क्या ऑप्शंस दे रहा है, इसमें कोई और नई चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा इसको वेरीफाई नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो, और मेरा वैसे ऑलरेडी ये शॉप का यहाँ पर बना हुआ था, और ऐसे बिला वजह ऐड करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ओह सॉरी, मोर ऑप्शन पे क्लिक किया था हमने और पोस्ट कार्ड ऑनर्स पे ओह चला गया, चलें कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। देन कंटिन्यू, हम इसको पोस्ट करके आगे चले गए, ठीक है। ऐड ओपनिंग आवर्स के ओपन किस किस टाइम होती है, तो आप इसको ज़ाहिर सी बात है जिन दिनों में आपका बिज़नेस ओपन होगा आप वो टाइम ही रखेंगे। मैं 24 आवर्स कर रहा हूँ, 24 आवर्स, ओके ओके, ठीक है। जितने दिन आप ओपन होते हैं, ठीक है, आपका जो बिज़नेस है वो ओपन रहता है वो आपको आप लाजमी लगाएंगे, ठीक है। ऐड मैसेजिंग, लेट कस्टमर मैसेज यू बिजनेस ऑन गूगल फॉर फ्री, ओके। एक्सेप्ट मैसेजेस, नेक्स्ट, हम मैसेजेस एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते तो फिर वही नो करना, ठीक है ना। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, अब आप बिज़नेस के जो रिलेटेड आपकी कोई भी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इट्स अ सॉरी कंप्यूटर शॉप, ठीक है, तांदले वाला, डन। आप पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे, मैंने सिर्फ एक आपको डेमो देने के लिए जो है थोड़ा सा एक लाइन का लिखा है, सो आप लोग सिर्फ इतना नहीं लिखना, काइंडली आप अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है बिजनेस की वही प्रोवाइड करना। ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, अगर आप कोई फोटोज़ यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, नहीं आप करेंगे, जाहिर सी बात है फोटोज़ बिज़नेस के लिए तो ऐड होंगी ना, शॉप के लिए कि शॉप किस जगह पे उसकी शॉप की जो पिक्चर्स ली हुई होंगी वो हम दे सकते हैं, इन्होंने ये एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कीजिएगा स्किप, इस बात का खास ख्याल रखना। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि यार मेरे स्टेप्स फॉलो नहीं करने। अभी कहना क्लेम योर $45 फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, जब भी कोई हम नया अकाउंट बनाते हैं तो ये हमें एड्स चलाने के लिए गूगल एड्स पे $45 फ्री दे रहा होता है गूगल, तो इसको आप अपने गूगल एड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है। योर बिज़नेस प्रोफाइल इज़ ऑलमोस्ट रेडी, कंटिन्यू, हमारी जो बिज़नेस प्रोफाइल है तकरीबन रेडी हो गई है, ठीक है जी, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे जी आ गई है लेआउट, आप लोग देख रहे हैं, होम, पोस्ट, इन्फो, इनसाइट्स, रिव्यूज़, मैसेजिंग, फोटोज़, वेबसाइट्स एंड यूज़र्स, क्रिएट एन एड, गेट कस्टम जीमेल, एड न्यू बिजनेस, बिजनेसेस, गेट वेरीफाइड, लिंक टू एड, सेटिंग सपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं आपके पास। अभी हम होम पे खड़े हैं, ठीक है, होम पे खड़े हैं, इन्होंने जो चीज़ हमारी वेरिफिकेशन नहीं देखा ना, पेंडिंग में पड़ी हुई है, ठीक है। ये अगर हम इसको एंड्रॉयड पे करना चाहें तो ऐप हम कर सकते हैं एंड्रॉयड की, iOS ऐप आईफोन के लिए जो होती है वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो हमने ऐड नहीं की, तो हमारा जो है कम्प्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल 65% है। यहाँ हम ऐड लोगो करेंगे, ठीक है, लोगो जो ऐड करना होता है, और अगर हम एड्स चलाना चाह रहे हो तो हम ये $45 जो इनके फ्री वाले वो भी जो है क्लेम कर सकते हैं। पोस्ट जो हैं यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं,
फीचर्ड स्पेशल ऑफर सेट डेट्स मेक इट इजी टू रिडीम। ठीक है, अब यहाँ क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट, ये तरीकेकार मेरी दूसरी वीडियो में भी है तरीके से पोस्ट किस तरह से करना है। ऑफर पोस्ट करनी है, व्हाट्स न्यू सिंपल पोस्ट हमने करनी है, व्हाट्स न्यू में हम करेंगे, अगर हमने कोई इवेंट वगैरह पोस्ट करना है तो यहाँ पे करेंगे, और आगे प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमारा अकाउंट पूरा सेटअप नहीं हुआ है। ठीक है, ये पोस्ट करने का तरीकेकार है, ये इन्फो आपकी शॉप के रिलेटेड या आपके बिजनेस के रिलेटेड, जो आपने बिजनेस जो है क्रिएट किया है, जो आपका बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे देखें ये एड्रेस, एड सर्विस एरिया, ठीक है, ओपन आवर्स क्या हैं, ऐड स्पेशल आवर्स, ऐड फोन, वेबसाइट, यहाँ आप सारी इन्फो में आके ये पूरी डिटेल्स जो आप डाल सकते हैं, फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, अमेनिटीज़, हेल्थ एंड सेफ्टी, पेमेंट्स, सर्विस ऑप्शंस, इट्स अ कंप्यूटर शॉप, ये मैंने थोड़ी जो डिस्क्रिप्शन दी थी, आप पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे, ऐड ओपनिंग डेट, ओपन कब हुई, अगर आपको वहाँ फोटोज़ ऐड करनी था फोटोज़ यहाँ से आगे ऐड कर सकते हैं जो हमने वहाँ से स्किप किया था। एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन में शॉप कोड, लेबल्स, गूगल एड्स, लोकेशन, एक्सटेंशन, फ़ोन, ठीक है, ये चीज़ें आप सारी जो हैं यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। इनसाइट्स में हमारे पास क्या होता है, इनसाइट्स में हमारे पास वो चीज़ होगी कि हमारा जो शॉप की व्यूज़ हैं, विजिटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, कितने दिनों में कितने आए हैं, ये सारी डिटेल यहाँ इनसाइट्स में आ रही होती है। और ये रिव्यूज़ में जो हमारी शॉप को रिव्यूज़ मिले होंगे, कोई अगर कोई आता है और शॉप हमारी देखता है तो शॉप देखने के बाद वो हमें जो रिव्यू दे के गया है तो रिव्यू क्या देख गया है, 5 स्टार दे गया या कितना देख गया है। ठीक है, यहाँ मैसेजिंग का ऑप्शन है, मैसेजेस यहाँ पे आएंगे, जो अगर कोई क्लाइंट आपको करता है, कोई बंदा गूगल पे आके आपकी शॉप विजिट करता है, देखता है, तो यहाँ पे आपको आके मैसेज करेगा और वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, वेरीफाई होने के बाद होगा, वेरीफाई होने से पहले नहीं होगा। फोटोज़ आप ऐड कर सकते हैं फ़ोटोज़ के ऑप्शन में आके, ठीक है, यहाँ पे वीडियो आप डाल सकते हैं, आप शॉप का इंटीरियर डाल सकते हैं, आप एक्सटीरियर डाल सकते हैं, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डाल सकते हैं, टीम मेम्बर्स कौन कौन से हैं, आइडेंटिटी क्या है, हर चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और ये सिंपल लेआउट है, यहीं से आप सारा कुछ ऐड करें, अगर वेबसाइट है तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, गूगल एड्स बिजनेस पेज बनाना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। अब ये हमारी वेबसाइट बनाने के लिए कह रहे हैं, अगर हम वेबसाइट यहाँ बनाना चाहें तो यहीं पर हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल पर क्रिएट हो जाएगी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सिर्फ अपनी डिटेल्स उधर पहले जो डाली हुई हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर बन जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यूज़र्स अगर आप देखना चाहें तो यहाँ यूज़र्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं, ऐड यूज़र्स हम कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये पेज बनाना। डिटेल्स जो डालनी है आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, खुद सब कुछ आपसे पूछ रहा होता है गूगल, आपको कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको जो है यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं तो। खास ख्याल रखना, जो मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए बताया क्योंकि मैंने पूरी किस्म का बना के नहीं दिखाया, जितना स्टेप बाय स्टेप थे मैंने आपको स्टेप दिखा दिए हैं। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने मेन चीज़ वही देखनी जो आपने डिटेल्स ऐड करनी है, फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, लोगो ऐड करेंगे, पिक्चर्स ऐड करेंगे, एड्रेस ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, फ़ोटोज़, लोगो, हर चीज़, वो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ सब कुछ हो जाएगा। इन्फो के अंदर आप ऐड कर रहे होंगे, इनसाइट्स है वहाँ से आप देख सकते हैं भी क्या क्या चीज़ वहाँ पे आपके बिजनेस पेज की जो प्रोग्रेस है वो क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी, तो इसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है और आसान से तरीके का है यार, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप लोग ये बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बिजनेस पेज बनाने का तरीकेकार आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने तरीकेकार समझाया, फिर से कह रहा हूँ, ये मुझे यार मैसेज करके ये ना कहना सर आपने पूरा नहीं बनाया, यार मैंने पूरा नहीं बनाया, मतलब मैंने आपको तरीका बता दिया, एक तरीकेकार ही हम बता सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्टर है तो आपको तरीकेकार बताएगा, कोई भी टीचर है तो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको सारा काम करके नहीं देगा, ठीक है ना, वो रास्ता दिखाएगा कि भाई इस रास्ते पे चलो, बाकी डिटेल्स तो आपने खुद ऐड करनी है ना, जो भी आप बिजनेस अगर किसी क्लाइंट का बना रहे हो उसकी डिटेल्स वो प्रोवाइड करेगा, मेरे पास तो नहीं होंगी ना। तो उम्मीद है वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें जो है इसके बिजनेस पेज को बनाने के रिलेटेड समझ आ गई होंगी, किस तरह से बनाना है इसमें और तरीकेकार क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।